लिए चलते हैं रांची, जहां निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। पंचायत चुनाव को लेकर पूरी डिटेल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई जाएगी। ठीक है भाई, शुरू करें। हाँ, आप सब लोग अवगत हैं कि भारत के संविधान के भाग 9 तथा संविधान की धारा 243 से 243 ओ तक त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रावधान सन्निहित हैं। धारा 243 के अंतर्गत इन पंचायतों के निर्वाचन का पर्यवेक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन है। झारखंड राज्य अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत निकायों तथा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के निर्वाचन सदस्यों का कार्यकाल वर्ष 2020 के माह दिसंबर में समाप्त हो चुका है। झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा क्रमशः 25, 46 एवं 61 के उपबंधों के अनुसार यद्यपि इन निकायों की 5 वर्षों की अवधि के अवसान के पूर्व उनके गठन हेतु आम निर्वाचन कराया जाना अपेक्षित था, परंतु कोविड-19 जैसी महामारी के कारण इसमें विलंब हुआ। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन क्षेत्र हुए जो हमारे निर्वाचन क्षेत्र हैं, अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत कुल जिलों की संख्या 24 है, जिससे आप जानते हैं प्रखंडों की संख्या 264 है, ग्राम पंचायतों की संख्या 4,345 है। तो इसमें जो ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है, जिसको हम लोग रूरल वार्ड कहते हैं, जिसमें कैंडिडेट्स इलेक्ट किए जाएंगे, इलेक्शन जिनका होगा, 53,479। ग्राम पंचायत की मुखिया जिनका चुनाव होगा 4,345। पंचायत समिति के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 5,341 और जिला परिषद के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 536 है। इन सभी 4 विभिन्न प्रकार के पदों पर जो वोटर है वो उनको 4 प्रकार के मतपत्र मिलेंगे और वो इन पर वोट डालेगा। जो मतदाता सूची है वो 1 जनवरी 2022 को अर्हता तिथि मानकर, जो 5 जनवरी 2022 को अंतिम रूप से भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रकाशित की गई है और जिसमें हम लोगों ने उसका विखंडन करते हुए 14 फरवरी 2022 को जिसका अंतिम प्रकाशन किया है, वो इसमें तैयार की गई है और अंतिम रूप से प्रकाशित की गई है, जिसमें कुल जो मतदाता हैं वो 1,96,16,504 हैं। 1,96,16,504 हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 1,70,721 हैं, महिला मतदाता 95,45,702 हैं और अन्य में 81 मतदाता हैं। मतदाताओं की पहचान के लिए एक आईडी ज़रूरी होती है, जो जिसके लिए हम लोगों ने 12 प्रकार के दस्तावेज निर्धारित किए हैं। इन दस्तावेजों की सूची हम आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पश्चात उपलब्ध कराएंगे, जो आपको दस्तावेज मिलेंगे जिसमें कि जिसको ले जाकर वोटिंग की जा सकती है। जो हमारे मतदान केंद्र हैं वो भी, उनका भी अंतिम प्रकाशन हुआ है। कुल मतदान केंद्र 53,480 हैं, 53,480, जिसमें संवेदनशील 22,961 हैं और अति संवेदनशील 17,698 हैं, अवशेष 12,821 सामान्य श्रेणी के मतदान केंद्र हैं। इन मतदान केंद्रों में हम लोगों ने आधारभूत न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, पेयजल, शौचालय, रैंप और क्लस्टर सेंटर पर प्रकाश वगैरह की व्यवस्था जिले के समाहर्ता या उपायुक्त कराएंगे। जो मतदान दलों का गठन होगा, जो जिले के एम्प्लॉयज़ हैं, वो एक विशेष एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडमाइजेशन प्रक्रिया अपना कर किया जाएगा। ये रैंडमाइजेशन प्रक्रिया 3 चरणों में होगी। पहले चरण में पात्र कर्मचारियों के अपेक्षाकृत व्यापक जिला डाटाबेस से न्यूनतम 120% की एक सूची का चयन किया जाएगा। फिर इस समूह को मतदान ड्यूटी के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। दूसरे चरण में इन ट्रेंड कर्मियों में से, प्रशिक्षित कर्मियों में से ऑब्जर्वर्स की उपस्थिति में रैंडम सिलेक्शन द्वारा वास्तविक मतदान दलों का गठन किया जाएगा। और तीसरे स्टेज में, तीसरे रैंडमाइजेशन में, इन मतदान दलों के प्रस्थान के ठीक पहले रैंडम तरीके से उन्हें मतदान केंद्र आवंटित किए जाएंगे। जो चुनाव हैं, आपको मालूम है कि ये चुनाव जो एमएलए एमपीज के चुनाव होते हैं वो ईवीएम से होते हैं, लेकिन इसमें मतपेटिकाओं का प्रयोग होता है, जिसको बैलेट बॉक्स कहते हैं, बैलेट बक्सा कहते हैं। तो इसमें 98,081 मतपेटिकाएँ प्रयोग हो रही हैं जो बड़े साइज की हैं और 39,928 मतपेटिकाएँ का प्रयोग हो रहा है जो छोटे साइज की।
इसमें जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2013 में निर्णय दिया था उसके अनुसार शपथ पत्र भी देना पड़ता है, वो देना अनिवार्य है सभी प्रकार के निर्वाचनों में। उसमें सुघोषणा पत्र और शपथ पत्र जो रहता है उसे उसमें जो निर्देश दिए गए हैं कि अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वो सभी कॉलम को भरें। शपथ पत्र सुघोषणा पत्र में यदि कोई कॉलम खाली छोड़ा जाता है तो निर्वाची पदाधिकारी संबंधित अभ्यर्थियों को इस संबंध में एक नोटिस जारी करेंगे। ऐसे नोटिस के बाद भी यदि अभ्यर्थी सभी दृष्टिकोण से पूर्ण शपथ पत्र या सुघोषणा पत्र दाखिल करने में विफल रहता है तो स्क्रूटनी के समय, संवीक्षा के समय उसके नाम निर्देशन पत्र को अस्वीकृत किया जा सकेगा। एक कम्युनिकेशन प्लान हम लोगों ने बनाया है, संचार योजना बनाया है हर एक जिला में, ये उसका मतदान के दिन कारगर प्रयोग हो कि वो दूर संचार विभाग के अधिकारियों एवं अन्य अग्रणी सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय करें और नेटवर्क का स्थिति का आकलन करें और संचार के शेडो एरिया की पहचान करके ये कम्युनिकेशन प्लान बनाया गया है जहाँ पर हमारा संचार नहीं हो पाता है बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में, गाँव में। सभी महत्वपूर्ण आयोजनों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और जिला पदाधिकारी इसके लिए पर्याप्त संख्या में वीडियोग्राफी दलों का गठन करेंगे। इस वीडियोग्राफी में सिर्फ नाम निर्देशन करना, उनकी स्क्रूटनी करना ये तो शामिल ही है, प्रचार अभियान के दौरान जो महत्वपूर्ण बैठकें होंगी, सभाएं होंगी, जुलूस निकलेगा उसकी भी वीडियोग्राफी करना आवश्यक होगा। विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा बलों की तैनाती, निर्वाचनों के संचालन में विस्तृत सुरक्षा प्रबंधन शामिल होता है। इसमें मतदान कर्मियों की सुरक्षा, मतदान केंद्रों की सुरक्षा, मतदान सामग्रियों की सुरक्षा, निर्वाचन प्रक्रिया की समग्र सुरक्षा भी शामिल है। इसमें विशेष रूप से अतिसंवेदनशील मतदाताओं जैसे कमजोर वर्ग के लोगों के मन में भरोसा कायम करने के लिए मतदान के पहले से ही सशस्त्र बलों की तैनाती की जाती है। तो हम लोग चाहते हैं, आयोग चाहता है कि ऐसा परिवेश का निर्माण हो जिसमें निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन सुनिश्चित कराए जा सकें। बिना किसी बाधा, बिना किसी अनुचित रूप से प्रभावित, भयभीत हुए लोग मतदान केंद्र तक पहुँचें। जमीनी स्थिति के आकलन के आधार पर इन सशस्त्र पुलिस बलों का निर्वाचन के दौरान इनकी तैनाती की जाएगी और इनका उपयोग मतदान केंद्रों की सुरक्षा करने और मतदान के दिन निर्वाचकों और मतदान कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा जब मतदान हो जाएगा तो जो स्ट्रांग रूम है उनकी सुरक्षा के लिए भी इनका प्रयोग किया जाएगा और मतगणना के लिए भी इनका प्रयोग किया जाएगा। जो मतदाता कमजोर वर्ग के हैं उसमें आपको मालूम हो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(7) के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मतदान ना करने के लिए या किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने के लिए या विधि द्वारा उपबंधित रीत से भिन्न रीत से मतदान करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करेगा तो कारावास की अवधि 6 माह से कम नहीं होगी, जो 5 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी और इसके अलावा जुर्माना भी लगाया जा सकेगा। अच्छा, सभी हमने उपायुक्तों से कहा है कि इन उपबंधों को तत्परतापूर्वक लागू किया जाए। हम लोग पूरे निर्वाचन के लिए 45 सामान्य प्रेक्षकों को तैनात करेंगे, उनसे कहा जाएगा कि वे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन को संपन्न कराएं और प्रत्येक चरण पर पैनी नजर रखें। उनके नाम, जिला निर्वाचन क्षेत्र के भीतर पते, उनके टेलीफोन, मोबाइल नंबरों को स्थानीय समाचार पत्रों में प्रचार प्रसार किया जाएगा और किसी भी प्रकार की शिकायत का निवारण करने के लिए वो उपलब्ध रहेंगे। निर्वाचन व्यय, इस चुनाव में हर एक स्तर पर कमीशन ने, आयोग ने ये निर्धारित किया है कि कौन कितना व्यय कर सकता है। तो सदस्य जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के, उनका अधिकतम निर्वाचन व्यय की सीमा है 14,000 रुपये। जो ग्राम पंचायत की मुखिया हैं उनके निर्वाचन व्यय की सीमा है 85,000 रुपये। जो पंचायत समिति के सदस्य हैं उनकी आय की सीमा, व्यय की सीमा है, एक्सपेंडिचर लिमिट 71,000 रुपये। और जो जिला परिषद के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य हैं उनकी सीमा है 2,14,000 रुपये। तो इनके अनुसरण पे, इस पर निगरानी रखने के लिए हम लोग उड़नदस्तों का, निगरानी दलों का गठन करेंगे और हम लोग 45 व्यय प्रेक्षक, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति कर रहे हैं। इसके समय हम लोगों ने यह भी कहा है, स्पेशली उत्पाद शुल्क विभाग को कहा है और पुलिस को कहा है कि स्पेशली ध्यान दिया जाए कि मादक पदार्थों का उत्पादन, वितरण, बिक्री, भंडारण पर
विशेष निगरानी रहे। पेड न्यूज के बारे में एक सेल बनाया गया है हर एक जिला में, और इस पर मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समिति निगरानी रखेगी और इस पर कार्रवाई की जाएगी। सभी अधिकारियों से अपेक्षा करता है आयोग कि वो कर्तव्यों का निष्पक्ष रूप से बिना किसी भय या पक्षपात के निर्वहन करें, और इस दौरान जितने भी पदाधिकारी कर्मचारी हैं वो निर्वाचन के दौरान उन्हें आयोग की प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा और वे आयोग के नियंत्रण पर्यवेक्षण और अनुशासन के अधीन होंगे। सभी सरकारी अधिकारियों का आचरण जिन्हें निर्वाचन संबंधी जिम्मेदारी और कर्तव्य सौंपे गए हैं निरंतर आयोग के नियंत्रण के समीक्षा के अधीन रहेगा, और ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिनके कार्य निष्पादन में किसी भी प्रकार की गलती या कमी पाई जाएगी। जो निर्वाचन को संचालन के लिए जिले के डीसी और एसपी को मिलकर रूट योजना, संचार योजना, यातायात योजना बनाई गई है, स्पेशली जो अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, इसके बारे में ध्यान रखने की आवश्यकता है। आदर्श आचार संहिता, इस निर्वाचन की घोषणा के साथ ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है पंचायत क्षेत्रों में। इनके उपबंध सभी हिस्सों में जो नगर पालिका कैंटोनमेंट क्षेत्र को छोड़कर लागू हुए हैं, और सभी अभ्यर्थियों पर, सभी राजनीतिक दलों पर और सभी झारखंड राज्य सरकार पर भी लागू होंगे, सभी पदाधिकारियों पर। केंद्र राज्य सरकार की पुरानी योजना का कार्यान्वयन हो सकता है और वो आदर्श आचार संहिता से प्रभावित नहीं होगा, चाहे उसमें टेंडर भी इन्वॉल्व क्यों ना हो। लेकिन जो नई योजनाएं हैं या जो जिला परिषद पंचायत समिति पंचायत की योजनाएं हैं वो सब आचार संहिता के दायरे में आएंगी। इसमें इनके उल्लंघनों को बड़ी कड़ाई से निपटा जाएगा, और इस बारे में सबसे ही अपेक्षा की जाती है कि वो जी हमने जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट निर्गत किया है, अपलोड भी किया है अपनी वेबसाइट पर, उसको पढ़ लें, अन्यथा इसका उल्लंघन होने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। एक जो नई बात इस इलेक्शन में हुई है, पंचायती राज विभाग की गजट अधिसूचना जो संख्या 685 दिनांक 1/4/22 है, उसके निर्देशानुसार अन्य पिछड़े वर्गों के लिए यथा रूप में महिला एवं अन्य के लिए जो अधिसूचित पद हैं वो अनारक्षित माने जाएंगे, ओपन कैटेगरी सीट्स। तो सभी के जिला अधिकारियों को कहा गया है, उपायुक्तों, कि जिला गजट में जो इतने स्तर के पद हैं जो इस श्रेणी में पहचाने गए हैं, और महिला के लिए वो ओपन कैटेगरी महिला, पुरुष के लिए ओपन कैटेगरी महिला में स्वतः परिवर्तित हो जाए। सभी जिलों को कहा गया है कि अभी भी COVID-19 के जो दिशा निर्देश हैं राज्य स्तर के और जिला के, उनका पालन उन्होंने करना है। इस बार और एक नई चीज़ हम लोग कर रहे हैं कि मतगणना का कार्य, क्योंकि आपको मालूम है कि ये राजनीतिक दल के आधार पर चुनाव नहीं होते, तो मतगणना का कार्य सबसे अंत में नहीं होगा। मतगणना का कार्य हम लोग, चूँकि पूरे चुनाव हम लोग चार चरणों में करा रहे हैं, किसी जिले में चार चरण में है, किसी में तीन चरण में है, किन्हीं जिले में दो चरण में भी, तो एक चरण में कोई जिला नहीं है, दो चरण में भी है, तीन में भी है, चार में भी, तो पहले एवं दूसरे चरण के मतदान के पश्चात ही मतगणना हो जाएगी, जिससे हमारा फोर्स फ्री हो जाएगा, उतना एक्स्ट्रा आदमी फ्री हो जाएंगे और बैलेट बॉक्स भी फ्री हो जाएगा। तीसरे और चौथे चरण की मतगणना एक साथ चौथे चरण के पश्चात कराई जाएगी। हम लोगों ने एग्जामिनेशंस को देखते हुए, मौसम को देखते हुए, शैक्षणिक कैलेंडर को देखते हुए, त्योहारों को देखते हुए, राज्य में विद्यमान कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए, पुलिस बलों की उपलब्धता को देखते हुए, और परिवहन तथा समुचित तैनाती और बुनियादी और वास्तविकताओं के देखते हुए हम लोगों ने मिलकर तय किया है कि किस किस स्थितियों में चुनाव कितने फीसद में कराया जाए, और उसके लिए हम आपको अभी इसके बाद आपको एक फोल्डर उपलब्ध कराएंगे जिसमें उसके सारे डिटेल्स रहेंगे। इसमें जो चार चरण हैं उसमें जो चुनाव होंगे वो 14 मई, 19 मई, 24 मई और 27 मई को होंगे। लेकिन जो पहला चरण है 14 मई का, उसका जो सूचना का प्रकाशन है प्रपत्र 5 में, संबंधित जिले पदाधिकारी वो 16 अप्रैल को निकाल देंगे, प्रकाशित करेंगे, क्योंकि बाकी प्रक्रिया चलेगी। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए बताता हूँ, बाकी चरणों में भी ऐसे ही होगा। 16 अप्रैल को जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रपत्र 5 में निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन करेंगे।
23 अप्रैल तक नाम निर्देशन करने के लिए अंतिम तारीख हो, ये पहले चरण का है और सभी चरणों की तिथियों का मैं आपको पूरा विवरण इसके पश्चात उपलब्ध करा दूंगा। ये नाम निर्देशन जो होगा 11 बजे अपराह्न पूर्वाह्न से लेकर 3 बजे अपराह्न तक होगा। इसके पास स्क्रूटनी जिसको कहते हैं समीक्षा, 25 अप्रैल और 26 अप्रैल को स्क्रूटनी की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। नाम वापस लेने की तारीख है 27 अप्रैल और 28 अप्रैल। निर्वाचन प्रतीक आवंटन जो अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स होता है जिसका ऑर्डर निकला हुआ है वो किया जाएगा 29 अप्रैल को, ये पहले चरण के बारे में कह रहा हूँ, और मतदान होगा 14 मई को। बीच में प्रचार प्रसार प्रसार प्रचार के लिए समय जो दिया जाता है, कैनवेसिंग पीरियड जो कहते हैं, इसकी मतगणना 17 मई को हो जाएगी। इसी प्रकार से द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण की तिथियां निर्धारित की गई हैं जिसको हम आपको अवगत कराएंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। आप लोगों को जो सूचना दी जाएगी उसमें वो सभी चीज़ें आप देखिएगा, मतदाताओं की संख्या, विभिन्न रूप से जो और भी चीज़ें हैं, आपको सभी चीज़ें कोई प्रश्न की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमने ये इंश्योर किया है कि सारी जानकारी आपको उस जो हम आपको फोल्डर दे रहे हैं उसमें उपलब्ध करा दी। तो दैट इसमें जिनको भी आयोग के द्वारा चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया गया है वही लोग ही प्रतिबंधित हैं, उसके लिए आदेश निर्गत किया हुआ, तिथि भी निर्गत की है कि कितने दिनों तक के लिए वो उन्हें बाधित किया गया। जी हाँ, उनकी डिटेल्स हम आपको दे रहे हैं। मैं आदर्श आचार संहिता की प्रतिलिपि अपने यहाँ अपलोड करा देता हूँ, इसमें सारे डिटेल्स दिए हुए हैं कि मंत्री क्या करेगा, वो क्या करेगा। आप एक एक बीसियों क्वेश्चन हैं इसके, लेकिन कोई घोषणा उतना कर सकता है कि नहीं, नई योजनाओं की घोषणा नहीं होगी, लेकिन आप उसको पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद अगर कोई उसको कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर हम लोगों के पदाधिकारी हैं क्लियर कर, क्योंकि उसमें एक नहीं बहुत सारे पॉइंट्स हैं और वो मैं अपलोड करा दे रहा हूँ और सबको। वो जिला वार अलग अलग संख्या है, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों को प्रतिबंधन से मुक्त भी किया गया है। ठीक है, और कुछ बात करनी है आपको मुझे पर पुलिस महानिदेशक हैं ये कुछ बताएं। सुझाव एक आपको सर, मीडिया के लिए सर एक सेल यहाँ पर भी हो, हाँ नहीं हम लोगों ने ये किया है, हम लोगों ने किया है कि अभी भी बहुत ग्रुप में बहुत भीड़ नहीं करनी है, नहीं करिए करना है, और आप लोगों के लिए भी सहूलियत रहता है। तो सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि रोज शाम को, क्योंकि अब तो ये हजारों की तादाद में होते हैं इलेक्शन यहाँ भी, तो वो अपलोड करेंगे। तो हम लोगों की तरफ से जो था अधिकतम कार्य अभी हुआ है, बाद में हम लोग भी अपने जो भी न्यूज़ होगा वो आपको अपलोड कर दिया करेंगे। और दैनिक तो बिल्कुल त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, पूरी डिटेल चुनाव आयोग की तरफ से रांची में बता दी गई है। आपको बता दें कि झारखंड के जो लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे पंचायत चुनाव का, पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।